यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना। हमारे भारत देश के जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादातर बिजली के बिल से परेशान रहती है। अगर आप भी गरीब मजदूर हैं, अगर आप भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आप भी बिजली के बिल से परेशान हो चुके हैं, तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी द्वारा एक और नई योजना को ई श्रम योजना के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर हर महीने 3,000 रुपए की धनराशि जो है वो आप सभी के खाते में पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ अगर आप अपने बिजली के बिल को माफ करवाना चाहते हैं या आधा करवाना चाहते हैं तो भी ई श्रम कार्ड इसके लिए बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकता है। ई श्रम कार्ड को समय समय पर नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जा रहा है और एक बार फिर से लाइव आकर नरेंद्र मोदी द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। जो भी गरीब मजदूर है और जिन्होंने भी ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, उन सभी लोगों के आय के अनुसार उनकी बिजली के बिल को या तो माफ किया जाएगा या फिर आधा किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, अगर आपको बिजली का बिल 500 से 1,000 रुपए तक भरना पड़ता है, फिलहाल आप बताइए कि आपका बिजली का बिल इस वक्त कितना आ रहा है और आपको इसके लिए कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आप अपने बिजली के बिल को अपने आय के अनुसार माफ करवा सकते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं तो आपके बिजली के बिल को माफ किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए से ज़्यादा है तो आप अपने बिजली के बिल को आधा करवा सकते हैं। दोस्तों है नहीं ये बहुत बड़ी खबर? अगर आप भी माफ़ करवाना चाहती हैं तो किस प्रकार से करवा सकते हैं आप सभी, उसके बारे में आपको विस्तार से एक वीडियो बनाकर दी जाएगी, जो कि उसका लिंक आई बटन में मैंने आपको दे दिया है। वहां पर जाकर भी विस्तार से ये देख सकते हैं कि आपके बिजली के बिल को माफ़ किया जाएगा या फिर आप किस प्रकार से अपने बिजली का बिल माफ़ करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।